उत्तरी बाहरी जिले के नारकोटिक्स सेल को मिली बड़ी कामयाबी। जिले के नरेला इलाके की सबसे बड़ी तस्कर और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1.5 करोड़ रुपए की हाई क्वालिटी हीरोइन के साथ महिला समेत दो को धर दबोचा। नरेला और आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर करते थे नशे के सामान की सप्लाई। फिलहाल इन तस्करों के अन्य ठिकाने और साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। उत्तरी बाहरी जिला लगातार अवैध रूप से नशे की सप्लाई करने के मामलों में लगाम लगाने के लिए कार्यवाही कर रहा है। इसी कड़ी में जिले के नारकोटिक्स सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की हाई क्वालिटी हीरोइन के साथ एक महिला तस्कर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। सफल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आमना नाम की एक महिला, जो कि नशे के सामान की बड़ी तस्कर है, वह नरेला इलाके में रही है। पुलिस ने इसी जानकारी के आधार पर प्राप्त पते पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने आमना को गिरफ्तार किया और उसके पास से पुलिस ने 400 ग्राम हाई क्वालिटी हीरोइन बरामद की। इस दौरान पुलिस के हाथ उसका एक साथी रवि भी चढ़ गया। रवि भी नरेला इलाके का ही रहने वाला है और इसके पास से पुलिस ने 100 ग्राम हाई क्वालिटी ड्रग्स बरामद की है। आमना, जो कि नरेला इलाके की नशे के तस्करों के किंग पिन है, पूरे इलाके में यह नशे का सामान सप्लाई करती है। रवि इसके ड्राइवर के तौर पर सहयोगी बनकर रहता है। आमना के घर से पुलिस ने पैकिंग मशीन और कई अन्य सामान भी बरामद किए, जिसमें यह लोग हीरोइन पैकिंग कर अलग अलग जगहों पर सप्लाई करते थे। आमना की बड़ी बहन अजमीरा को पहले भी नारकोटिक्स सेल द्वारा 2020 में गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ समय पहले तक आना स्वरूप नगर के रहने वाले प्रमोद यादव के नशे का सामान खरीद कर इलाके में सप्लाई करती थी, लेकिन 2021 में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से ही आमना को इमरान नाम के व्यक्ति से नशे की सामग्री मिल गई थी। पुलिस लगातार आमना और उसके साथ ही रवि से पूछताछ में जुटी हुई है और कोशिश की जा रही है कि उनके अन्य सहयोगियों और ठिकानों पर भी छापेमारी कर उन्हें भी धर दबोचा जा सके। दिल्ली से संजय सेठ। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा नाकुड़ के खिलाफ जंग का ऐलान 6 महीने पहले किया गया था। इसमें कई सफलताएं हमें हासिल हुई और इसी श्रृंखला के अंदर एक सफलता और हासिल हुई, जब आधा किलोग्राम कमर्शियल ग्रेड की बहुत ही उम्दा क्वालिटी की हीरोइन, जिसका की अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य है लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, उसे आमना और रवि नाम के व्यक्तियों से बरामद किया गया। बरामद भी किया गया और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, कुछ पैकेजिंग का सामान आधे भी बरामद हुआ, जिससे यह साबित होता है कि इसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आगे क्या करते थे। इनके संपर्क में काफी लोग थे और उनकी सूची बनाकर हमें कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें राउंड अप किया जाए। इसके लिए प्रयास जारी हैं और आशा की जाती है कि इनके पकड़े जाने के साथ ही इस एरिया में होने वाले इलीगल ड्रग के कारोबार के ऊपर रोकथाम करने के अंदर काफी सहायता मिलेगी।